आइए जोरदार ताली यीशु के लिए बजाएं, ताली बजा के उसकी महिमा करें। हालेलुया। सच में वो महान है। उसने इस सृष्टि को इसलिए ही किया, ये सृष्टि उसके गीत को गा सके, उसके नाम को ऊंचे पर उठा सके, उसको अपने बीच में, अपने जीवन में महिमा दे सके। हालेलुया। तो आइए हमारा जीवन, हमारा मुख, हमारी आत्मा इस बात को कहने पाए कि वो नाम सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा नाम है। हर एक संकट के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर वो नाम है। हालेलुया। हमें बचाने वाला नाम है, हमें छुड़ाने वाला नाम है। ताली बजाएं उसकी महिमा करें। क्यों ना मैं गाऊं, क्यों ना गुनगुना, बड़ा
सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। बीमारी संकट पे भारी है वो नाम यीशु का। बीमारी बीमारी संकट पे भारी है वो नाम यीशु का। मौत पर जो हमें विजय दे है वो नाम यीशु का। मौत पर हमें विजय देता है। मौत पर जो हमें विजय दे है वो नाम यीशु का। तो गाओ यीशु मसीह की वो राजा है, महान है। हालेलुया हालेलुया। एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। सब कहिए राजा है महान यीशु, राजा है महान यीशु, राजा है महान। ताली बजाकर उसकी महिमा करें। हालेलुया। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। होता है तो खुशी का, अपने बीच में सोच बैठा है। निर्भय
हमारे लिए, आपके लिए। मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बना था, विजय सिंह यहूदा का राजा है महा। राजा है महान, यीशु राजा है महान, ओ महान है, वो राजा महान है, वो हमारे बीच में है। हालेलुया। ओ रिगदाना नमस्कारनेरेवे, उसको महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया। वंदित जी परमेश्वर, मेरा दिल, मेरी आत्मा आज की सुबह तुझे खोजने पाए, तुझे ढूंढने पाए। तेरी उस आत्मिकता को यीशु कि हम तलाश करने पाए।
देते हैं, तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हैं यीशु राजा। पूरे हृदय से तेरे गीत को गाते हैं, तेरे नाम को पुकारते हैं और इस बात को कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया।
जी पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से हम आपके नाम को पुकारते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं यीशु मसीह। आराधना सुनने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। मत्ती चैप्टर 5:13-16, मत्ती चैप्टर 5, मत्ती का सुसमाचार 5 उसका 13 से लेकर के 16 तक। या प्लीज। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं ये सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपके ये जीवित वचन के लिए। प्रभु जी मेरे मुंह से नहीं, आप प्रभु जी आपके वचन, प्रभु जी आपके द्वारा यहाँ पर सुनने के लिए हम लोग चाहते हैं। प्रभु जी इस वचन के ऊपर आप आशीष दे। प्रभु जी जो कुछ बातें मैं यहाँ पर करते हैं प्रभु जी वो ग्रहण योग्य हो जाए और लोग उससे उसके द्वारा आशीषित हो जाए। प्रभु जी धन्यवाद भजन के लिए, धन्यवाद प्रभु जी आपके सारे आशीषों के लिए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, हमारा काल से आप लोग कई बार ये वचन को सुन चुके हैं, यहाँ से परमेश्वर का दास लोग कई बार प्रचार कर चुके हैं। ये वचन जब हम लोग देखते हैं, इसमें जो है पहाड़ी, प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। यहाँ पर जब हम लोग शुरुआत में इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं वह इस भीड़ को देख करके पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। हम लोग जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमेशा ऐसा जगह ढूंढता है जो ज़्यादा भीड़ नहीं है, जहाँ पर शांति हो, जैसे प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह जाते थे और लोगों को उपदेश देने के लिए जब जाते तो पहाड़ में जाकर के वो बैठ करके वहाँ पर बैठ करके उपदेश देता था। जब आप लोग जो यीशु मसीह का जो समय पर देखेंगे, जब अभी हम लोग खड़े होकर के प्रचार करते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। जो शिक्षक लोग बैठ करके हमेशा प्रचार करता था, लोग सामने बैठते थे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बैठ करके अपना जो है उपदेश लोगों को जब दे रहा था, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे पहाड़ के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह हमेशा इस बात को, जो प्रार्थना के लिए भी प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर जाते थे, यहाँ पर हम लोग इस बात को देख सकते हैं। जब मूसा के टाइम में मूसा परमेश्वर से जो वचन पाया है, जो उपदेश पाया है लोगों को देने के लिए, वो सीनाई पर्वत के ऊपर जाते थे। यहाँ पर इसका जो सिमिलैरिटी है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे जा करके लोगों को जो अपना जो उपदेश देता था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 13 वाक्य में ये हम लोग देख रहा है, तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं है, केवल इसके बाहर फेंके और मनुष्यों को पैरों के तले रौंदा जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो नमक के बारे में, हम लोग यहाँ नमक और जो ज्योति के बारे में ये 13-14 में जो है बताया जा, 16 तक जब पढ़ेंगे हम लोग देख सकते हैं नमक और ज्योति के बारे में। जब नमक के बारे में जब हम लोग देखते हैं
नमक कई जो है काम में आता है ना। जब हम लोग खाने में अगर नमक नहीं डालते हैं तो लोग क्या कहते हैं, है? स्वाद नहीं है। जब नमक, जो ये बात को जो मैं पढ़ रहा था, इसमें विचार कर रहा था, ये नमक हमारा जीवन का एक हिस्सा बन गया है। ये दुनिया में हमारे काल से सारे लोग इस्तेमाल करने एक चीज़ रह गया है। नमक का जो प्रयोग हम लोग रोज करते हैं, नहीं है? हो सकता है कुछ लोग जो है काली फ्रूट खाता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग खाना अगर बनाते तो ज़रूर नमक का इस्तेमाल करते हैं। ये काली स्वाद के लिए नहीं नमक इस्तेमाल करते हैं, इसमें नमक जो है सफाई करने के लिए, चीज़ों को सफाई करने के लिए। मैं इस बात को फिर से मेरे अंदर ये बात आया है, जैसे हम लोग केरला में जो मछली जो है साफ करते हैं, साफ करने के बाद उसके अंदर नमक डालते हैं, नमक का डाल करके अच्छी तरह से उसको जो साफ करते हैं, इसका मतलब वो साफ करने से उसका एक महक है, मछली का वो महक है थोड़ा सा कम हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसका मतलब उसको सफाई करने के लिए हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। और चीज़ों को खराब होने से अगर ज़्यादा दिन तक रखना है तो हम लोगों को नमक, हम लोग नमक में रख करके, फिर यही बात मेरे अंदर आया, क्योंकि जो ड्राई फिश मतलब सूखा मछली वो रखते हैं नमक में ही रखते हैं, कई महीना तक जो है वो मछली रह जाता है, क्योंकि केरला में जो रहने वाले लोगों को मालूम है जो ड्राई फिश जो है हम लोग सब बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये है जो फ्राई वगैरह करेगा तो थोड़ा सा जो बैड स्मेल आता है, लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको ज़्यादा दिन तक रखने के लिए। यहाँ नॉर्थ में जब अब आया मैंने सुना था जो मीट को भी ऐसे ही लोग नमक में सॉल्टी मीट करके रखते हैं कई दिन का जो है, कई दिन तक जो है ये रखा जाता है, कई दिन तक जो है ये मीट जो है रख सकते हैं। इसका मतलब इसको आप जो ज़्यादा समय तक रखने के लिए ये हम लोग जो है साल्ट जो है इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नमक जो है इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारा जीवन में जब हम लोग मीट और ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, उसको ज़्यादा दिन रखने के लिए हम लोग इस चीज़ को, हम लोग जो नमक उसमें डालते हैं, तो हमारा जीवन में हम लोगों को इस बात को जो समझने का बहुत ज़रूरत है। इस संसार ऐसी एक संसार है जो नाश होने वाला, जो संसार है लोग नाश हो रहा है, ऐसी एक संसार में हम लोग रह रहे हैं। इसमें परमेश्वर ने यहाँ पर वचन, प्रभु यीशु मसीह जब नमक का जो है उदाहरण जब लिया है, उन्होंने ये बात बताया है जो विश्वासी लोग, जो परमेश्वर का लोग, वो कौन है? इस संसार का नमक है। इसका मतलब इस संसार में जो नाश होने वाले लोगों के लिए आप जो हैं उनके लिए आशीष का कारण बनना है, आपको उपकारी बनना है, क्योंकि आप एक बात था जो नमक हम लोग हमारा खाने में डालते तो उसको स्वादिष्ट बना लेते हैं, हम लोग स्वादिष्ट बन जाता है। अगर वो नमक जो है नहीं है तो उसमें स्वाद नहीं है। जब इस संसार का लोग नित्य नाश में जा रहे, उनके लिए परमेश्वर ने इस संसार में हम लोगों को नमक के रूप में रखा है, उनको नाश होने से हम लोगों को बचाना जरूरी है। हमारा जीवन के द्वारा, हमारा प्रवृत्ति के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा हम लोग उनको बचाना बहुत जरूरी है। हम लोग एक स्वादिष्ट मनुष्य बनना
बहुत जरूरी है हमारा आस पड़ोस में, हमारा परिवार में। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई अभी तक प्रभु यीशु मसीह को पहचाना नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह में आया नहीं है, अगर हम आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर उनके सामने, उनके जीवन में अगर आप एक एक आशीष का कारण बन करके रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी क्या हो जाएगा, आपके जैसा बन जाएगा। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, जरा सा भाई अगर थोड़ा सा नमक, आप एक पूरा जो बर्तन ले लीजिए, उसमें अगर जरा सा जो नमक आप डालेंगे, वो क्या हो जाएगा, नमकीन पानी हो जाएगा। आप टेस्ट करके देख लीजिए, इसका मतलब एक जरा सा जो नमक, वो पूरा पानी को अगर नमकीन कर सकते हैं, तो आप एक संसार का, संसार में प्रभु यीशु मसीह ने एक नमक के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने आपको रखा है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह से आशीषों को पाना है, प्रभु यीशु मसीह को हम लोग ने चखा है। ये प्रभु यीशु मसीह को उनके जीवन में लेकर आना, उनको परिचित करवाना आपका माला जो है, आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके द्वारा जो है आपका परिवार का लोग बचना है, आपके आस पड़ोस का लोग जो है बचना है, यही परमेश्वर का उद्देश्य है। हम हरेक जो है विश्वासी के जीवन के द्वारा परमेश्वर यही चाहता है। अगर हमारा जीवन में वो चीज़ हम लोग नहीं कर रहे, वो चीज़ों को हम लोग हमारा जीवन में अगर नहीं दिखा रहे, हमारा चाल चलन के द्वारा, हमारा बातचीत के द्वारा, बहुत लोग चर्च में आया उसके बाद जो है बाहर जा करके जो बोलना है वो बोल लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उनके बीच में भी आप जो है एक नमक बन करके रहना जरूरी है, क्योंकि उनको स्वादिष्ट बनना है, उनको आपके द्वारा जो है वो आशीष पाना। जैसे नमक खाने को स्वादिष्ट करते हैं, आपके जीवन के द्वारा उनके जीवन में भी वो आशीषित होना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने इस संसार में हम लोगों को रखा गया है, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला लोगों को रखा गया है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो यहूदी लोगों के बीच में परमेश्वर ने बार बार जो है ये भविष्यवक्ताओं को भेजा था, उनको भेज करके भविष्यवाणी को दिया था, जो इसराइल जो लोगों को अपना जो गंदे काम से निकल करके सही रास्ते पे जाने के लिए। लेकिन आपको मालूम है, जो भविष्यवक्ताओं का बातों को माना है, उनके जीवन में वो आशीष पाया है, लेकिन उनका बात नहीं माना है, वो क्या किया, परमेश्वर से बहुत दूर हो गया है, क्योंकि परमेश्वर का बातों को माना नहीं है, परमेश्वर का बातों को वो विश्वास नहीं किया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में आया, यहूदी लोगों के बीच में आया, लेकिन यहूदी लोगों ने क्या नहीं किया, उनका बातों को माना नहीं है। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को चुना है, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह को जो है जानने के लिए मौका दिया है। आज हम लोग इस संसार में एक नमक बन करके दूसरा लोगों के लिए हम लोग उस बात को, क्योंकि प्रभु जो पिता ने पुत्र को इस संसार में भेजा, उन्होंने वो रास्ता दिखाया, वो हम लोगों को रास्ता दिया दिखाया, ये रास्ता हम लोग दूसरा लोगों को भी दिखाना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों को इस संसार में, इस देश में, खासतौर करके ये लखनऊ में रखा है, परमेश्वर का वचन को हम लोग दूसरा लोगों को बांटने के लिए, दूसरा लोगों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन फिर हम लोग आगे जब देखते हैं, परमेश्वर का वचन में जो परमेश्वर का लोगों को फिर से ये नमक के रूप में यहाँ पर दिया गया था, और पुराना नियम में भी परमेश्वर का वचन से जो है हम लोग देखते हैं, हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कई उदाहरण हमारा जीवन में दिया गया है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये नमक जो है
इफेक्टिव, उसको जो है उसको प्रभावशाली कैसे होता है, जो नमक का सबसे पहले मैंने बताया सफाई करने के लिए, और जो खराब होने से हम लोगों को बचाने के लिए जो है नमक का जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा जो है हम लोग टेस्ट के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे जो है नमक प्रभावशाली कैसे हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को इस संसार में हम लोगों को रखा है एक अलग रीति से रखा है। संसार के लोगों के जैसा नहीं हम लोगों को चुना है। संसार का लोग जो करते हैं वो काम करने के लिए नहीं हम लोगों को चुना, ऐसा चुना है। हम लोग ये संसार के लोगों से एक अलग लोग हैं। हमारा सारे कामों में हम लोग संसार का लोगों के जीवन के जीवन में जो है उससे फर्क हम लोगों को दिखना चाहिए। जब हम लोग ये रास्ते में हम लोग बाहर निकलते हैं, हमारा जो कॉलोनी में हम लोग चलते हैं, सचमुच में लोग बताना है ये सचमुच में जीवित परमेश्वर को जानने वाला है, इस उनके पीछे चलने वाला है, क्योंकि हमारा कामों के द्वारा वो देखना है हम लोग दूसरा लोगों को प्रभाव उनके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे नमक जो है उसको जो है क्या करते हैं, उसको चेंज जो पानी को जो चेंज करते हैं उसको जो है बदलते हैं, उसका टेस्ट को बदलता है, वैसे हम लोग प्रभाव डाल सकते हैं हमारा कॉलोनी में, हमारा परिवार में, हमारा समाज में हम लोग प्रभाव डाल सकते हैं एक सच्चा क्रिश्चियन, एक सच्चा मसीह। इसलिए बहुत जरूरी है हम लोग एक सच्चा मसीह बन करके इस संसार में रहना जरूरी है। अगर नहीं है तो जो परमेश्वर आएंगे उस समय हम लोग जो है उनके साथ जा नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, आप चाहे जितना भी अच्छा कार्य करें, आप जितना भी जो है जितना भी संडे आए, संडे आप जो संडे के बाद हो संडे और जो है पूरा जो हफ्ते का मीटिंग में आए, लेकिन अगर आप एक सच्चा मसीह नहीं है, आपके द्वारा दूसरा लोग आशीषों को नहीं पा रहे, अगर प्रभु यीशु मसीह को आपके द्वारा अगर नहीं जान पा रहे, तो जो है आपका जीवन बिताना वो एक मसीह का नाम लेकर के चलना व्यर्थ है। इसलिए जरूरी है हम लोगों का सच्चा मसीह बन करके हम लोगों को रहना जरूरी है, क्योंकि हम लोग दूसरा लोगों को भी जीवन में भी प्रभाव डाल सकते हैं। आइए हम लोग अभी देखेंगे जो लाइट के बारे में, आइए थोड़ा पढ़िए उसको 5:14। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिर यीशु मसीह जो बताने लगा तुम जगत का ज्योति हो। हम हर एक जो है विश्वासी परमेश्वर का लोग जगत का ज्योति है। देखिए अभी नमक के बारे में बताया, बिना नमक जीवन जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, और सब रोजाना हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो लाइट के बारे में, जो ज्योति के बारे में। ज्योति के बिना इस संसार में रहना मुश्किल है ना। अगर मान लीजिए यहाँ लाइट अंधेरा हो जाए कितना परेशानी हो जाता है, सब लोग जल्दी बोलेंगे अरे लाइट आ जाए तो है पूरा अंधेरा जो छाया गया है। इसका मतलब लाइट हमारा जीवन में एक जो मुख्य रीति से हमारा जीवन में इस संसार में कार्य कर रहा है। अगर लाइट नहीं है, अगर ज्योति नहीं है, अगर लाइट नहीं है तो इस संसार का जो है आप कल्पना करिए ये संसार क्या है, कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं दे सकते, अंधेरा है। आप वो जो है जो ब्यूटी को वो सुंदरता को आप पहचान सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे तुम जगत का
ज्योति हो, क्योंकि ये संसार जो है कहां पर है, ये संसार अंधेरे में है, ये संसार का लोग जो है अंधेरे में है। वहां पर हर एक जगह पर जहां पर हम लोग रह रहे हैं, वो कॉलोनी में जहां पर हमारा घर है, उस घर में हम लोगों को एक ज्योति के समान परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ज्योति था, वैसे ही जो है उन्होंने हम लोगों को चुना है ताकि आप इस संसार में जाके ज्योति बन करके दूसरा लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। जैसे नमक जो है दूसरों के लिए जो आशीष का कारण बना, ये ज्योति भी जो है दूसरा लोगों के लिए आशीष बनाता है। देखो बहुत बार हम लोग इस बात को समझते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, हमको सारे आशीषें हमको देना है, हमको आशीष चाहिए। जब प्रार्थना जब आप करते हैं तो किसके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए, खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, हमको चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, सब चीज़ हमको चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने एक बात सीखा है, मैं जब प्रार्थना करते हैं कभी भी मेरे लिए मैं प्रार्थना कभी भी नहीं किया है, हमेशा मैं दूसरा लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को ये संसार में ये ज्योति के रूप में भेजा है, हम लोग ज्योति है। जब प्रभु यीशु मसीह को हम लोग जाना है, उसके बाद जो है वो सेम जो परमेश्वर हमारा अंदर, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारा अंदर आया है हम लोग, ताकि हम लोग दूसरे लोगों के लिए भी प्रकाशित करवाए। इसका मतलब हम लोगों के द्वारा ये प्रकाश हमारा जीवन से जा करके दूसरे लोगों को भी प्रकाशित, वो भी प्रकाशित हो जाए, क्योंकि वो अंधेरे में रह रहे, जो लोग नित्य नाश में जा रहे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को अलग अलग जगहों में एक ज्योति के समान रखा हुआ। मेरे प्रियो, इस बात को कभी भी आप लोग भूलना नहीं, क्योंकि आपको चुना है। इस संसार में बहुत ऐसे लोग थे जो पंडित लोग थे, जो इसका मतलब जो लोग जो है बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत धनवान लोग थे, बहुत जो है बुद्धिमान लोग थे, लेकिन उनको सबको प्रभु यीशु मसीह ने चुना नहीं है। साधारण हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, वो भाग्य दिया है। वो लाइट जब हमारा ज्योति हमारा ऊपर प्रकाशित हुआ, तब हम लोग जो है दूसरे लोगों के लिए भी प्रकाशित, प्रकाश का जो है ये किरण उनके तक पहुंचना है, उनके जीवन तक हम लोगों को पहुंचाना है, तभी परमेश्वर हम लोगों को आशीष देता है। बहुत बार हम लोग आशीषों से क्यों वंचित होता था, हम लोग क्या है वो प्रकाशन जो हम लोगों को पाया है उसको लेकर के हम लोग बैठ जाता है, इसको दूसरा लोगों को हम लोग बताते नहीं हैं, उनके तक उन तक जो है हम लोग पहुंचाते नहीं हैं, ये सुसमाचार को हम लोग दूसरे लोगों तक पहुंचाते नहीं हैं। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में आज आप लोग आशीषों को नहीं पा रहे, इसका वजह ये है आप दूसरा लोगों को जो ज्योति आप में मिला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया आप जगत का ज्योति है। इसका मतलब ज्योति हम लोग जला करके कहाँ पर रखते हैं, हैं ऊपर हमारा घर में। जब हम लोग अभी तो लाइट आ गया है, पहले क्या करता था, जो ऑयल लैम्प होता था उसको रखते हैं वहाँ, उसको कहाँ पर रखते थे, उसको ऊपर शेल्फ में, ऊपर जो है माला थोड़ा सा ऊंचा जगह पर रखते हैं, नीचे जमीन में नहीं रखता था, ताकि वो सारे लोगों को वो रोशनी जो है सबको मिलना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ये कलीसिया जो ऐसा एक जगह है, यहाँ से परमेश्वर ने जो है ज्योति को आपके जीवन में लेकर आया है। वो ज्योति को आप लोग क्या करना, बाहर जा करके दूसरा लोगों तक पहुँचाना आपका कर्तव्य है। मेरे प्रियो, आप जब ये निर्णय लेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने ये संसार में हमको ये रखा है नमक के रूप में, दूसरा लोगों को जो हम लोग आशीषित करना है, दूसरा लोगों के लिए एक टेस्ट हम लोगों को देना है,
अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये संसार का ज्योति के समान हम लोगों को रखा है, तो हम लोगों को ये कर्तव्य है, हम लोग उनके लिए कार्य करें ताकि हमारा जीवन में हम लोगों आशीषों को पा सके। जब हम लोग आशीष नहीं पा पा रहे, इसका एक ही मेरे जीवन में मैंने सीखा है, अगर मैं आशीष नहीं पा रहे, ये किसी और का माला जो है वजह से नहीं है, मेरे वजह से है मैं आशीषों को नहीं पा पा रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर जो दिया गया कार्य को मैं नहीं किया है। बहुत बार लोग जो है जीवन में कुछ घटना यह हो जाएगा तो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को दोष लगाते हैं, ऐसा नहीं है, इनके वजह से ये हुआ है, उनके वजह से ये हुआ है, इन्होंने ऐसे ही कहा इसलिए हुआ है। मेरे प्रियो, ये कभी भी जो है हमारा जीवन में ऐसी बात होना नहीं चाहिए। हमारा वजह से इस बात को ऐसा हो गया है, इस बात को हम लोगों को मानना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी को दिया है, वो जिम्मेदारी को आप अगर करेंगे, उसको पूरा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देंगे, परमेश्वर आपके आशीष जीवन में आशीष देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, अभी भी हम लोगों के लिए कार्य कर सकता है, अभी भी हमारा जीवन में हम लोगों को हमारा जो समस्याओं से हम लोगों को दूर कर सकते हैं, हमारा जीवन के अंदर का कोई भी ऐसी समस्या हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, मैं जब वहाँ पर बैठा था मेरे दिल के अंदर ये आया है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसी लोग है जीवन में बहुत सालों से प्रार्थना कर रहा है, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं ऐसा चाहता हूँ ऐसे कोई भी ऐसी व्यक्ति है, अपने जगहों में अपने हाथों को उठाना मैं चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर अगुवाई दिया है, इसलिए मैं इस बात को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। आप लोग अपना हाथों को उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन के अंदर जो है वो कार्य को करे, अभी तक हुआ नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमारा जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, जो हाथ उठाया लोगों का दिल को आप जानते हैं, उनके जीवन को आप जानते हैं, बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई उत्तर नहीं मिला है, लेकिन आज इस समय प्रभु जी, जब ये संसार का संसार में वो नमक के रूप में बन करके वो रह रहा है प्रभु जी, और ज्योति बन करके अगर दूसरा लोगों को आशीषों को वो दे रहे, तो उनके जीवन में भी आशीष देने के लिए आप तैयार है आज सुबह प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम है, जो अंधकार का शक्ति उनके जीवन में जो कार्य करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए कहते हैं, आपके खून बहाए हाथ उनके ऊपर रख दीजिए। सो जो समस्या है सालों से उनका उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, आज इसी समय प्रभु जी उस बात को प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन से दूर करने के लिए चाहते हैं। जिस जगह पर प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाइए, उनको चंगाई दे प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। वो कोई भी ऐसी मानसिक रीति से उनको चंगाई चाहिए, कोई ऐसी व्यक्ति है शारीरिक रीति से चंगाई चाहिए, प्रभु जी आपके पास में ये सारे चंगाई जो है उपलब्ध है प्रभु जी। सचमुच में उनके जीवन दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण आज से वो जीवन बिताए प्रभु जी, ताकि वो आशीषों को आप देना चाहते हैं वो आशीष उनके जीवन में आ जाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद, लोगों से बातचीत करने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन।